सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने अभी घर से, लेकिन फिलहाल जा रहे हैं अपन खेत। आज ना एक लड़का था वो नहीं आया खेत हाँकने के लिए, तो आज अपन जा रहे हैं, अपन जाके खेत हाँकेंगे पूरा। तो चलो चलते हैं गाइज। अपन तो आ चुके अपने खेत, फिलहाल पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं अभी। तो अपन चलते हैं, पापा चले जाएंगे घर और अपन हाँक देंगे जब तक पूरा। मेरे को क्या वीडियो अपलोड करना था, तो इसलिए ना छोड़ के पापा को चला गया मैं वीडियो अपलोड करने। वीडियो अपलोड करके आ गया हूँ, तो अब पापा को घर भेजा देंगे और अपन हाँक देंगे। गाइस अपन को ये सामने वाला खेत हाँकना है पूरा, ये दिख रहा है ना, ये वाला तो पापा ने हाँक दिया, बस ये इतना सा और बचा है। अपन को ये वाला खेत हाँकना है पूरा अपना, ये दिख रहा है। देखो एक बार ऐसे और देख लो, ये अपन को पूरा, ये जहाँ तक ये दिख रहा है पूरा, ये हाँकना अपन को जितना हक जाएगा अपन से आज के आज। और ये वाला पापा ने आज हाँक दिया है इतना। सो गाइस मस्त खेत भी हाँक दिया पूरा, ट्रैक्टर इतना ऐसे ट्रैक्टर ये खड़ा है। गाइस देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद अजीब अलग से ही दिख रहा है, साफ साफ सा। ये इतना नहीं हक पाया अकेला, बाकी अपन ने वहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक अपन ने ये इतना पूरा निपटा दिया। ऐसी तैसी हो गई पिछवाड़े में ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था ना कि क्या होता हूँ, पूरे एकदम सुन्न पड़ गएंगे भाई। पूरा पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया, उस टाइप का गीला गीला था पूरी मिट्टी, तो बार बार पंजे में फंस रहा था, तो उस तरफ का तो फिर अपन ने नहीं किया, इस तरफ का ही अकेला करके छोड़ दिया ये अपने चरवाही दादा बीड़ी फूकते हुए। गाइस जो हमारे टीटू वो एक नंबर का पागल इंसान है, ये देखो पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो गाइस इतना बड़ा पत्थर रहेगा और बस उठाने भौंकता रहेगा उसके ऊपर कि उठ जा उठ जा उठ जा। अबे साले इनसे नहीं उठने वाला भाई, सारे गमार किस्म के कुत्ते मेरी नसीब में लिखे थे। देख वो इतना गमार है, एक तो उसके मुंह से बड़े साइज का वो पत्थर ले लेगा, उसके बाद उसको भोगता रहेगा चार घंटे तक, और उठना उठने वाला नहीं है, बस भोगते रहेंगे। अरे ऐसे गमार कुत्ते मिले ना मैं क्या बताऊं कोई रखवाली के काम के ही नहीं है साले। बुराई कर रहा है ये इनने सिखाया है, इनने सिखाया है ये क्या सिखाया तुमने उसको है वो साले बासे मौके बड़े से पत्थर में है ना वो मुंह डाल रहा है, मतलब कितने गमार कुत्ते हैं यार, कितने गमार। ये देखो ये घूम रहे हैं साले, क्या क्यों गमार कहीं के, सॉरी कर लो, पंजा दे दो, पंजा पंजा दे दो, हाथ ले उठो तो पंजा ना नहीं था, लो लो पंजा दे दे ये नहीं दे तुमने चल दे। मिलाओ पाँ मिलाओ मिलाओ जो डायना डायना बहुत गमार कुत्ता गाइस मेरे पास टीटू अब मत करना जी गमार बना रहा ना। अब फिलहाल जाते हैं घर, और ये मधुमक्खी जब से मेरे मुंह के आगे ढोल रही है। अब फिलहाल जाते हैं अपन घर, घर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे खाना वाना खाएंगे, भूख लगी आई बहुत तेज। तो गाइस मस्त अपन नहा धो के खाना वाना खा के अब हम सीधे दुकान में आ गए, घर मर का ब्लॉग ही शूट नहीं कर पा रहे अभी, पापा भर रहे हैं मशीन वो आई है क्या है यार, क्या है यार पानी मजा लग रहा है। तो गाइस अभी फिलहाल तो पापा पनडुब्बी भर रहे हैं, ये पनडुब्बी आई है कितने 8 पावर की है, 5 हॉर्स पावर की पनडुब्बी भर रहे हैं पापा। तो फिलहाल तो गाइस
पापा तो कल जा रहे हैं, अब वो पापा तो आज जा रहे हैं भोपाल, क्योंकि है ना आज कल है ना उनको चेकअप मेकअप करवाना है, उनका वो है अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको हार्ट अटैक आया था ना, तो इनका ऑपरेशन हुआ था बाईपास, तो अभी फिलहाल इनका कल ये जाएंगे, वो आज ये जाएंगे तो कल जाके ये चेकअप करवा पाएंगे। प्रवीण झा के पास भोपाल में ही है, बंसल में। गाइस अभी का तो ये सीन है कि आज तो ग्यारसपुर में है ना कर्फ्यू लग गया है पूरी तरीके से, कुछ है मतलब एकदम सुनसान पड़ा गाइस, देखो ये देखो पूरा सुनसान पड़ा, बाजार का दिन देखा था ना आपने, पूरा मार्केट सुनसान पड़ा है, बस हमारी दुकान ही है जो झमाझम चल रही है। सो गाइस हमारे सेठ लोग दोनों तैयार हो चुके हैं, आज जा रहे हैं भोपाल पापा का चेकअप करवाने के लिए। सो गाइस फिलहाल बज चुके हैं, अरे साता पकड़ो यार लोगो। सो गाइस फिलहाल बज चुके हैं साथ, अभी लैपटॉप पे बैठ के एडिटिंग सीख रहा था, अपने तो समझ में ना आई भाई, अब मोबाइल से ही होती है अपन से, तो लैपटॉप अपन झगड़े नहीं मोल पाएंगे। तो गाड़ी एक सी लगा देना। अभी फिलहाल ये लोग निकल रहे हैं तो इनको छोड़ने जा रहा हूँ मैं, तो इनको छोड़ के आता हूँ। सो गाइस फिलहाल तो हम आ चुके हैं रोड पे, ठीक है ना, ये हमारे दो ही सेठ लोग बैठे, सोट बोल रहा था गाइस, ये दो ही हमारे सेठ लोग बैठे, ये हमारे पापा हैंगे और ये हमारे भाई साहब हैंगे, जय राम जी की, और ये हमारे दद्दू हैंगे, का हो ज्यादा मान दो तो का अरे बहुत अच्छे दिख रहे, एक नंबर हैंडसम। कितना समय हो गया दुकान खोले हुए? दुकान खोले लगभग 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए, कितने करोड़ रुपए कमा ला है? अरे यार उल्टी बात का कर रहा है, एक तो ये देखो रोड पे जमीन हैगी, मतलब एकदम मेन चौराहे पे तुमने दुकान खोल ली, फिर कह रहे होगे कि यार नहीं, पैसा नहीं कमाए तो फिर कितना, मतलब 1-2 करोड़ तो हो जाता होगा। अरे यार 1 करोड़ कितना होता है मुझे बताओ, 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख। 100 लाख का 1 करोड़ हमारे लिए 1 लाख भी भारी है, ये को बैंक से एक तो 1 लाख रुपया लोन है। अच्छा KCC 80,000। हाँ साहूकारी कर्जा है 5 लाख। हाँ अपन छुट्टी रात मिला नहीं है, तुम फिल्म बना रहे का बना रहे? नहीं फिल्म मिले हम कुछ नहीं बना रहे अरे बेटा वही बना रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक तरफ की दाढ़ी छील ले, मैं कह रहा हूँ अबे यहाँ 2-11 खरीद ले भैया, मेन चौराहे पे दुकान है, मतलब मेन रोड पे दुकान है यार भाई साहब की। सदीप भाई साहब जा जाएगी वीडियो अब है ना, हम बताएंगे सदीप भाई साहब की है ना, जो जमीन हड़प्पे के पीछे पड़ेंगे पूरी तरीके से। गाइस मस्त पापा भी जा रहे हैं, पापा की अपन ने कर दी छुट्टी, पापा गए भोपाल। तो गाइस मस्त पापा तो जा चुके हैं भोपाल, अब वो है ना पहुंच जाएंगे 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे गाइस, अभी 8 बज रहे हैं, 9-10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे भोपाल, फिर सवेरे जाएंगे 10 बजे चेकअप मेकअप करवाने। फिलहाल यही है दद्दू के यहाँ बैठे हैं मस्त, ये हमारे दद्दू हैंगे। तो गाइज फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले ब्लॉग के साथ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और प्लीज़ कर देना यार, तो बाय बाय।